वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल रमनिंदर फिटनेस पे। तो आज हम पार्ट टू लेग वर्कआउट लगाने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स वर्कआउट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डायनामिक वार्म अप रूटीन से शुरू करेंगे, जो कि हम पहले 5 से 10 मिनट के लिए करेंगे। उसमें बॉडी वेट स्क्वाट्स, ग्लूट्स ब्रिजेस लगाएंगे, जिससे हम अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को पहले वार्म अप करेंगे। तो यहाँ मैं और मेरे फ्रेंड डायनामिक वार्म अप कर रहे हैं ग्लूट्स ब्रिजेस के साथ। सो हमारी जो पहली मेन एक्सरसाइज है वो है बारबल डेडलिफ्ट्स। डेडलिफ्ट्स हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, लोअर बैक और ट्रैप्स, फोरआर्म सबके लिए इक्वली इफेक्टिव है। मेन एक्सरसाइज ये लेग मस्कुलेचर की है, जो हमारे पोस्टीरियर चेन है मसल्स की, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। सो आप इसे स्टार्टिंग में लगाएं, क्योंकि ये कंपाउंड लिफ्ट है, एनर्जी डिमांड्स इसकी ज़्यादा है, तो आप इसे स्टार्टिंग में रखें, स्टार्टिंग में लगाएं। डेड लिफ्ट लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो लोअर बैक है वो बिल्कुल इंटैक्ट एंड न्यूट्रल चाहिए। आपकी जो लंबर स्पाइन है वो बिल्कुल न्यूट्रल चाहिए, उस पर बिल्कुल भी फ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। आपकी बैक राउंड नहीं होनी चाहिए, बैक को सीधा रखें और सेफली लगाइए। वेट उतना ही उठाइए जितना आप सेफली लगा सकते हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। अगर आप डेडलिफ्ट्स मिस कर रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बतानी चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स डेवलपमेंट के लिए। सो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अपनी फॉर्म सही कीजिए, लाइट वेट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसको हैवी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो यहाँ पे आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स की जगह पे सुमो डेडलिफ्ट्स भी लगा सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टांस होता है वो थोड़ा वाइड होता है, सो ये दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। आप इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है पार्ट टू लेग वर्कआउट की, वो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। ये दूसरी डेडलिफ्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें हम हाफ रेप लगाते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने ध्यान रखना है, आपकी जो नीज है आपने उन्हें लॉक रखना है, एक एंगल पे लॉक रखना है, और आपकी जो लोअर बैक है वो बिल्कुल सीधी चाहिए डेडलिफ्ट की तरह। और आपने जो बारबेल पकड़ी हुई है, डंबल पकड़े हुए हैं, उसे पकड़कर आपने आगे को हैंग करना है और उतना ही नीचे जाना है जितना आप जा सकते हो, और उतना ही नीचे जाना है जहाँ तक आपके हैमस्ट्रिंग्स है जो उन पे अच्छे से स्ट्रेच पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप सही जो फॉर्म है उसका थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज कैसे लगाई जाती है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है पार्ट टू लेग वर्कआउट की, वो है बारबेल हिप थ्रस्ट। तो यहाँ पे आप इस एक्सरसाइज की फॉर्म देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक्सरसाइज आखिर में लगती कैसे है। इसमें आप अपने जो लैप एरिया है उसमें बारबेल रखेंगे, और जो आपके हिप है उससे आप वेट को ऊपर लिफ्ट करेंगे। सो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है इस पार्ट टू लेग वर्कआउट की, वो है बॉडी वेट वॉकिंग लंजेस। तो आपने ये एज ए फिनिशर दोनों पार्ट्स में लगानी है, पार्ट वन में भी और पार्ट टू में भी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट टू लेग वर्कआउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है रमनिंदर बियर्डेड बीस्ट के नाम पे, आप उसे भी जाकर फॉलो कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए। टेक केयर।